बच्चों वॉइस क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट टाइम हम लोग ये सप्लीमेंट्री पढ़ रहे थे, ग्रामर क्या पढ़ रहे थे मैम? सप्लीमेंट्री पढ़ रहे थे मैम लास्ट टाइम। अच्छा सप्लीमेंट्री का हाँ चैप्टर नंबर थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया था? नो मैम, सप्लीमेंट्री का वो जेंट वाला चल रहा था, नहीं कंप्लीट हुआ था। अच्छा कितना हो गया था बताइए, पेज नंबर? मैम पार्ट टू शायद पढ़ाना है। किसी ने मार्क किया था बच्चों पेज नंबर? एवरी टाइम आई टोल्ड यू दैट मार्क योर पेज ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़े तब आपको वो याद रहे, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। राधिका आपके पास तो बुक नहीं है, है ना? कि ले लिया? मैम ऐप वाली है। अच्छा मैम वो पार्ट टू पढ़ो, कम से कम पढ़ तो रही है। अच्छा चलो then let's start part two. So अभी तक हमने पढ़ा था कि जो जायंट था उसका जो गार्डन था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन जो जायंट था उसको बड़ा गुस्सा आया था ये देखकर कि उसके ना रहने पर वो कहाँ गया था, वो अपने फ्रेंड के घर विजिट करने गया था ना, कम से कम 6 या 5 years तक वो वहीं पर रहा था। तो जब वहां से लौटा था तब उसने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं और उसके गार्डन में खूब सुंदर सुंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स और सुंदर सुंदर ग्रास और स्प्रिंग का मौसम सब कुछ उसके गार्डन में था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके गार्डन में ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़ा है, कोई फ्रूट तोड़ रहा है, फ्लावर्स के साथ खेल रहा है, तो वो बड़ा गुस्सा हुआ और वो क्या बोला कि मेरी मुझसे बिना पूछे मेरे गार्डन में कोई कैसे घुस गया। तो जैसे उसने सबको चिल्लाया सारे बच्चे डरकर भाग गए और फिर उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ऊंची वॉल बनवा दी और उसके बाहर एक बोर्ड लिख दिया। उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? ट्रेस्पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो जिसका मतलब था कि आने जाने वालों का यहाँ अंदर आना सख्त मना है। सो इस वजह से सारे बच्चे जो थे वो भी नहीं आ पाते थे उसके गार्डन में, क्योंकि पहले जो दीवार में होल था उसके थ्रू बच्चे आ जाते थे, लेकिन अब तो सब जगह से उसने वॉल उठवा दी थी तो अब कोई भी बच्चा नहीं आ पा रहा था। सारे बच्चे बड़े दुखी थे। अब जब बच्चे नहीं आ रहे थे तो स्प्रिंग का जो मौसम था वो भी गार्डन में नहीं आ रहा था, मतलब जो जितनी खूबसूरती थी उस गार्डन की वो सब उस गार्डन से नाराज हो गई थी, उस जायंट से नाराज हो गई थी। और वहां पर सिर्फ उस गार्डन में क्या था, हेल था, फॉग थी, फ्रॉस्ट था, है ना, बर्फ के ओले पड़ते थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, मतलब सब कुछ उसमें खराब हो गया था और स्प्रिंग का मौसम तो आया ही नहीं था, जबकि दूसरे जो गार्डन थे वहां पर ब्लॉसम्स आ गए थे, फ्रूट्स आ गए थे, स्प्रिंग का मौसम आ गया था, लेकिन जायंट के गार्डन में अभी तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। सो लेट्स मूव टू द फर्दर पैराग्राफ। सो ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, थॉट अ लिटिल थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन and they were sitting in the branches of the tree. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms. So अचानक से जायंट ने देखा कि उसका जो गार्डन है उसमें बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें उसको दिखाई देने लगी, और जब सुंदर चीजें उसको दिखाई देने लगी तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा होल बन चुका है उसकी दीवार में, जिसके थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है पास करके उस गार्डन में घुस आए हैं, और सारे बच्चे कोई ब्रांचेस पर बैठा हुआ है ट्रीज की, कोई खेल रहा है, सारे बच्चे मतलब वॉल्स पर है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ के ऊपर जायंट देख सकता था कि छोटा सा कोई बच्चा है।
अगर आप लोगों के भी आसपास कोई गार्डन ना होगा जब आप थोड़े और छोटे थे, तब आपका भी बड़ा मन करता होगा उस गार्डन में जाने का। और बड़े होने के बाद तो हम सबका भी मन करता है कि कोई सुंदर सा गार्डन हो जहां पर ढेर सारे ट्रीज हो, जिसमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, है ना, नेचर के अंदर हम लोग जा पाए। तो वैसे ही जब उसका जो गार्डन था जाएगा, वो इतना ही नेचर से भरा हुआ था, तो बच्चों का मन बिल्कुल रह नहीं पाता था। तो जैसे ही एक फूल दिखा, सारे बच्चे चले गए, और जायंट ने क्या देखा कि हर एक ट्री पर एक बच्चा बैठा हुआ है। एंड इन एवरी हाँ एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और सारे पेड़ इतने खुश हो गए थे कि सबके अंदर, सबके पेड़ों में सुंदर सुंदर ब्लॉसम्स आ गए थे, कलियां आ गई थी, फूल आ गए थे, और वो अपने ब्रांचेस से बच्चों के हेड्स पर वेव कर रहे थे। मतलब उनकी जो ब्रांचेस है वो छोटे छोटे बच्चों के सरों पर लटक रही थी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। और जो बर्ड्स है वो उड़ रही है और ट्विटर कर रही है, मतलब जो बर्ड्स की आवाजें हैं वो आ रही है। एंड फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फूल है वो हरी घास से निकल रहे हैं और हंस रहे हैं, लाफे। अब फूल तो हंसेगा नहीं हमारे जैसे हाहा करके, लेकिन फूल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हंस रहा है। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत प्यारा नजारा है। बच्चों आप सबको भी ऐसा लगता होगा आई गेस कि जो नेचर होता है उसका जो नजारा होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये जो नजारा है ये देखकर जायंट को भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए बेस्ट नजारा है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी एक कोना ऐसा था गार्डन का जहां पर अभी तक विंटर है, सर्दी है। इट वॉज द फादेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का सबसे कोने का हिस्सा है। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा सा बच्चा कोने में खड़ा हुआ है। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वाज वंडरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली। बिटरली मतलब बहुत ही बुरी तरह। तो इतना छोटा था वो बच्चा कि वो किसी भी पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। बाकी के सारे बच्चे किसी ना किसी तरह से पेड़ों पर चढ़ रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन ये बच्चा रो रहा था कॉर्नर में खड़ा होकर, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एट रोरिंग अबव इट। और जिस कोने में बच्चा खड़ा है जहां पर जिस ट्री पर वो चढ़ नहीं पा रहा है, उस ट्री पर भी अभी तक क्या है, फ्रॉस्ट है, और ठंडी नॉर्थ की जो हवाएं हैं वो अभी तक उस पे चल रही है। और बेचारा पेड़ भी वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर कोई बच्चा नहीं है, तो वो पेड़ भी अभी तक सर्दियों का मौसम झेल रहा है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। ट्री ने क्या कहा, बच्चे ऊपर आ जाओ, चढ़ जाओ। And it bent its branches down as low as it could be, but the boy was too tiny. तो जो ट्री था वो जितना हो सकता था उतना नीचे बेंड हो गया, और ताकि जो जो छोटा बच्चा है वो उस पर चढ़ सके। लेकिन जो बच्चा था वो इतना टाइनी था कि ट्री जितना भी झुक जा रहा था वो उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। And the giant's heart melted as he looked out. और ये नजारा देखकर, ये सब सीन देखकर जायंट का जो हार्ट था वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। कितना स्वार्थी था मैं, कितना सेल्फिश था मैं, जायंट ऐसा कह रहा है अपने आप को। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चला कि सबके गार्डन में बसंत आ गई थी, लेकिन सिर्फ मेरे गार्डन में नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को ट्री के ऊपर चढ़ा दूंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और तब मैं इस वॉल को नॉक करूंगा, यानी कि इसको हटा दूंगा,
एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब जाइंट ने डिसाइड कर लिया कि मुझे पता चल गया है कि जो बच्चे हैं इनकी वजह से ही मेरा गार्डन सुंदर खूबसूरत हुआ था। स्प्रिंग यहाँ रहती थी, सुंदर सुंदर फ्लावर्स और ट्रीज थे, लेकिन जैसे ही बच्चों को मैंने यहाँ से हटा दिया सब कुछ चला गया। तो अब मैं ये मेक श्योर करूंगा ये जो सारी वॉल्स मैंने बनवा दी है सबको हटा दूं और मेरा ये जो गार्डन है वो मेरा पर्सनल गार्डन ना होकर बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाए हमेशा और हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done. Giant को सच में बहुत फील था कि उसने बहुत गलत किया बच्चों के साथ। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. So बच्चे ने क्या किया? Downstairs यानी सीढ़ियों, हाँ, so जो giant था वो नीचे गया और जो front door था उसको खोल दिया। जो उसके गार्डन की तरफ आने के लिए फ्रंट डोर था उसको जाइंट ने खोल दिया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द लिटिल गार्डन बिकेम विंटर अगेन। लेकिन जैसे ही जाइंट गया दरवाजा खोलने के लिए तो जो वो गार्डन से उसको होकर जाना पड़ा और जैसे ही बच्चों ने जाइंट को देखा वो तुरंत डर कर वहां से भाग गए और जैसे ही बच्चे गए विंटर फिर से आ गई। सर्दियों ने गार्डन को फिर से घेर लिया और बसंत का मौसम, सुहाना मौसम फिर से चला गया। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. तो बच्चा अपने स्ट्रगल में इतना रो रहा था, उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसने जायंट को देखा ही नहीं। तो सारे बच्चे भाग गए लेकिन जो छोटा सा टाइनी जो बच्चा था वो अभी तक वहीं पर खड़ा था। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. और giant ने क्या किया? छोटा सा बच्चा जो अभी तक था वहाँ पर, उसको giant ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उठाया और tree पर उसको बैठा दिया। And the tree broke at once into blossoms. और जैसे ही बच्चा tree पर बैठा, जो tree था उसपे फूल और कलियाँ खिल गईं। And the birds came and sang on it. Chidiya us par gaane gaane lagi. And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. Aur bacche ne pyar se apne haathon ko stretch kiya aur giant ko pyar se kiss kiya. Usko bahut acche se uske sath treat kiya giant ke sath. And the other children, when they saw that the giant was not wicked and any longer, came running back and with them came the spring. और जैसे ही जब ये सीन चला तो बच्चे जो थे, जो बच्चे भाग गए थे, उन्होंने भी देखा कि जाइंट जो है कितने प्यार से बच्चे को प्यार कर रहा है। तो वो समझ गए कि जाइंट जो है वो अब बेकार नहीं है, अब वो सुधर गया है। तो सारे बच्चे वापस आ गए और जैसे ही बच्चे है स्प्रिंग फिर से वापस आ गई। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और giant ने क्या कहा बच्चों से कि बच्चों अब ये मेरा नहीं, अब ये तुम सबका garden है। और उसने एक axe उठाया और पूरी wall को तोड़ डाला। And then the people were going to the market at 12 o'clock. They found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. और जब दोपहर में जब लोग मार्केट जाने लगे, अपने कामों पर जाने लगे, तब रास्ते में उन्होंने जाते समय क्या देखा कि सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन जायंट का गार्डन है और वहां पर जायंट बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। और पूरे दिन पूरी इवनिंग बोलो पूरे वो लोग खेलते रहे और जैसे ही शाम हुई तो वो लोग जायंट को गुड बाय कहकर चले गए। बट देयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड द बॉय आई पुट हाँ बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड उसने कहा कि तुम्हारा वो जो छोटा सा दोस्त है वो कहाँ है। जब बच्चे उसको गुड बाय कहने आए तो जायंट ने बोला कि तुम सबका छोटा सा जो दोस्त था वो कहाँ गया। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। The giant loved him the best because he had kissed him. Giant को उस छोटे वाले बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था क्योंकि छोटा वाला बच्चा जो था
वही पहला बच्चा था जिसने जायंट को प्यार किया। सो यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। सो जायंट सेड द जायंट, जायंट ने कहा कि हाँ। तो बच्चों ने कहा कहा कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो छोटा वाला बच्चा कहाँ गया। फिर ही हैज गॉन अवे, वो चला गया कहीं। तो यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। जायंट ने कहा चलो ठीक है, आज नहीं आया लेकिन उसको बोल देना कि कल जरूर से आएगा। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. So, बच्चों ने क्या जवाब दिया कि हमको तो पता ही नहीं कि उसका घर कहाँ पर है, हम कहाँ जाएंगे उसको बुलाने के लिए, हमने तो उसको पहली बार देखा था। So, giant ये सब सुनकर बड़ा ही sad हुआ। But the children, हाँ, and every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. But the little boy whom the giant loved was never seen again. अब से हर दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे तो वो गार्डन में जाकर खेलते थे, लेकिन वो बच्चा जिसको जायंट सबसे ज्यादा प्यार करता था वो आज तक दोबारा दिखाई नहीं दिया। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. बच्चों के साथ जायंट अभी भी बड़ा ही सॉफ्ट हो गया है, बड़ा ही अच्छा बिहेव करता है, लेकिन अभी तक जायंट को अब उस छोटे बच्चे की याद आती है और वो उसके बारे में पूछता है। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, क्या कितना अच्छा होता अगर मैं उसको दोबारा से मिल पाता। इयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबर, साल बीतते गए और जायंट जो था बहुत बूढ़ा हो गया। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. So, बहुत साल बीत गए, तो जायंट जो था वो बड़ा बूढ़ा हो गया, अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता ज्यादा देर, तो वो अपनी आर्मचेयर पर टेक लगाकर आराम से बैठकर गार्डन में बच्चों को खेलता हुआ देखता है। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. जायंट कहता है कि मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरत फूल है लेकिन जितने खूबसूरत ये बच्चे हैं उतना कोई भी फूल नहीं है। One winter morning he looked out of the window as he was dressing. एक दिन वो तैयार हो रहा था तब उसने विंडो के बाहर देखा। He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. तो एक दिन जब उसने गार्डन के बाहर देखा तो वहां पर सर्दियां थी, तो जायंट ये जानता था कि जो स्प्रिंग है अभी उसकी रेस्ट करने का टाइम है, अभी ये विंटर का मौसम है तो विंटर ही रहेगा। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked, अचानक उसने अपनी आंखों को रब किया और बाहर देखने लगा। It certainly was a marvelous sight, बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white roses. एक ट्री था, कोने में एक ट्री था गार्डन के जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। He hastened across the grass and came near to the child. हाँ, its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. और वो जो सुंदर से व्हाइट कलर के फ्लावर वाला जो पेड़ था उसके जस्ट नीचे क्या थी, सुंदर सुंदर ग्रास थी और सिल्वर ब्रांचेस थी पेड़ की, मतलब वो बड़ा ही मिस्मराइजिंग सा ट्री था, बड़ा ही अलग सा ट्री था उसको जो दिखाई दे रहा था। और उस ट्री के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसको जायंट सबसे ज्यादा प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, और जो जायंट था वो सीढ़ियों से नीचे गया और गार्डन में गया। He hasn't crossed the grass and came near to the child. वो घास पे से होता हुआ तुरंत दौड़कर बच्चे के पास गया। And when he came quite close to his face grew red with anger. He said, "Who had dared to wood thee? For the palms of the tree, child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet." So, जैसे ही जायंट उसके चाय के पास गया वो बड़ा ही गुस्से से लाल हो गया, एंगर से लाल हो गया और उसने कहा, Who had dared would wound thee? Wound का मतलब होता है जख्म, दी का मतलब होता है तुम्हारे। ये जख्म देने की, ये बूंद देने का, ये घाव देने का
किसका हिम्मत हुआ, किसका हिम्मत हुआ कि तुम्हारे बॉडी पर उसने ये बूंद दिया? फॉर द पाम्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के हथेली पर और उसके पैर पे कुछ नेल्स के निशान थे, टू प्रिंट्स थे नेल्स के, एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, हु हैड डेयर टू वुंड द क्रैक द जेंट, फिर से चीखा, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये घाव देने की? टेल मी दैट आई विल टेक माय बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी बड़ी सी तलवार लेकर जाऊंगा और उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, नहीं, जवाब में किसके है जो तुम्हें ये दिया, किसने दिया? Said the giant. Giant ने कहा, and a strange awe fell on him, and he knelt before the child. और अचानक से giant को कुछ हुआ और वो knelt, मतलब घुटनों के बल जमीन पर child के सामने गिर गया. And the child smiled on the giant and said to him. Child ने smile किया और giant से कहा, you let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. And the meaning of paradise is swarg. Paradise का मतलब होता है जन्नत. So child ने क्या कहा कि एक बार जब तुमने मुझे अपने सुंदर से गार्डन में खेलने दिया था, मैं रो रहा था लेकिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाऊं, जो कि मेरा गार्डन कौन सा है, स्वर्ग है, पैराडाइज है. And then the children ran in that afternoon. They found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और उस दोपहर को, ये सब सुबह हुआ, और उस दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आकर गार्डन में खेलने गए, तब उन्होंने क्या देखा कि जो सेल्फिश जायंट है, जो कि अब सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं था, वो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स खिल गए हैं, यानी कि जो सेल्फिश जायंट था उसकी डेथ हो चुकी है. सो बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. बच्चों, आप लोग ये बात एकदम सीरियसली जान लीजिए कि आप लोग जो कॉपीज है, होमवर्क कॉपीज है, उसको आप लोगों को रेडी करके रखना है. अब आपके एग्जाम भी होंगे, जब भी डेट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा, अभी तो आई नहीं है, लेकिन आपकी जो कॉपीज है वो रेडी रहनी चाहिए और आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए. जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसकी कॉपीज आपकी रेडी करिए, और नहीं हुई है तो जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसको आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगी, ठीक है? कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैम आपने तो बताया नहीं था एग्जाम में आ गए. जितने अभी देखो, इसमें मैंने 3 चैप्टर बता दिया है, लिटरेचर में कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने पूछ लिए थे आपसे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बता देना. तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, Why is the giant called selfish? बताइए, giant को selfish क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बच्चों को गार्डन में खेलने नहीं देता था. हाँ, इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो giant था was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself. अब कोई इंसान है जो सिर्फ अपना देखता है तो उसको तो selfish ही कहते हैं. जायंट का गार्डन जो था इतना खूबसूरत होने के बाद भी वो किसी को उसमें एंटर नहीं करने देता था, इसीलिए उसको सेल्फिश कहा जाता था. In one occasion, the children said, "How happy we are here." Later they said, "How happy we were there." We are there. फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, How happy we were there. So ये इन सेंटेंसेस में चेंज क्यों आया? इसलिए आया, इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट गार्डन. वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, जायंट के गार्डन के बारे में बात कर रहे थे कि हम वहां कितने खुश थे, और पहले उन्होंने क्या बोला था कि हम यहाँ कितने खुश हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
When the spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for? It indicate. अब विंटर जो था वो क्या बता रहा था? तो विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर डिड नॉट ब्लूम इन द जैन गार्डन, द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, देयर वाज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्लोरी. तो वहां पर सर्दियां ऐसे थोड़ी था कि कोई स्विच था जिसको ऑन करके सर्दी हो गई गर्मी हो गई. ये एक तरह का सिंबल था कि सर्दियां इसलिए दिख रही हैं, सर्दियां इसलिए हैं क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप देखोगे ज्यादातर जो ट्रीज होते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स कम होते हैं, है ना. सो सर्दियों के मौसम को रेफर किया गया है सैडनेस से, दुख से, कि यहाँ पर फ्लावर्स नहीं है, ट्रीज ग्रीन नहीं है, सब कुछ खराब सा है. क्योंकि सर्दियों के मौसम में कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि बहुत सैडनेस सा लगता है, ऐसा पता नहीं रहता है कि दुख किस चीज का है, लेकिन मन जो है वो उदास रहता है. क्यों? क्योंकि उस मौसम को ही सैडनेस से कंपेयर किया जाता है. जो फॉग होती है, जो धुंध होता है, उसको सैड का सिंबल माना जाता है, सैडनेस का. सो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में आपको दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है. और ये जो कॉपी है इसको आपको मुझे मंडे तक में तो आप दिखाई दीजिएगा. और कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, कोई भी रिमूव नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली चल रही है एंड यू हैव टू ज्वाइन. मैम कॉपी बताओ क्या आया? मैम कॉपी स्कूल में देनी है? नहीं नहीं देनी नहीं है, देनी जब है तो हम आपको बताएंगे. पहले आप मुझे ऑनलाइन दिखाओ, कैमरे को बैक करिए और मुझे कॉपी दिखाइए अपनी, ग्रामर का कितना हुआ है, सप्लीमेंट्री और लिटरेचर. ज्यादा कुछ कराया भी नहीं है, 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं बस. सो आपको कम से कम वो आपने कॉपी में कंप्लीट करके रखना है और नेक्स्ट मंडे तक एटलीस्ट आप मुझे वो कॉपी दिखाओगे. उसके बाद जब मंगाना होगा कॉपी तो हम मंगा लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है? चलो That is it for today. I will see you in the next class. Thank you all. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.